होटल स्पेशली ताबिश, इकराम, सैफी, ये मेरे क्रू मेंबर थे जो यहाँ कुछ याद आया, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये बॉर्डर आपको नजर आ रहा होगा, क्राउन प्लाजा बॉर्डर। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अभी साथ ही एक व्लॉग बनाया था कराची कंपनी से, सो कराची कंपनी के जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे हम पहुँच गए, वहाँ से हमने अब आगे जाना है ब्लू एरिया, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो अभी आपको दिखा सकते हैं पीछे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है कराची कंपनी के पास, सो अभी उसकी तरफ जा रहे हैं। आई लव पाकिस्तान, स्टेयर। ये है चमन मेट्रो स्टेशन। चमन मेट्रो स्टेशन के साथ G9 बाजार भी लगता है, G9 मार्केट भी है यहाँ साथ। और ये जो मेट्रो स्टेशन है ये कराची कंपनी के नियरेस्ट वाला है, नज़दीक वाला, ठीक है। यहाँ से इस साइड की तरफ सेंटर्स वगैरह आपको नज़र भी आ रहा होगा, आगे दरख्त ट्रीज वगैरह आ गए, ठीक है। आई थिंक आपको सेंटर्स नज़र आ रहा होगा, यस यहाँ से नज़र आ रहा है, मैं जूम अप कर देता हूँ, ठीक है। सो ब्लू एरिया भी उसी के साथ है, यूफोन टावर भी उसी साइड है, सारी उसी साइड, बाकी फैसल मस्जिद भी उसी की बैक साइड पे ही है, F8 भी इसी साइड है। सो देख सकते हैं माशाल्लाह, जब विंटर का वेदर होता है यहाँ पे बड़ी ही ब्यूटी होती है, लाइक यूरोप, आप इसको यूरोप से कंपेयर कर सकते हैं इस्लामाबाद को विंटर में। जब समर होता है समर में कुछ भी नहीं, समर में गर्मी। सो यहाँ से अभी टिकट लेनी है, टिकट परचेज़ करनी है। अस्सलामु अलैकुम ब्रदर, एक टिकट दे दें, क्या प्राइस है ये ले, हाँ ले लें। थैंक यू वेरी मच। सो राइट में अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे ब्लू एरिया तक जाने के लिए, बिकॉज मुझे मज़ा आता है थोड़ा सा घूम फिर के बंदा जाए और व्लॉग भी बनाए, सो उस वजह। अभी हम स्टॉक एक्सचेंज जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास उतर चुके हैं। सो फाइनली व्यूवर्स, अभी हम पहुंच चुके हैं ब्लू एरिया, जिसको अगर कहा जाए इस्लामाबाद का हार्ट, दिल, तो कोई इसमें दो राय नहीं है और कोई इसमें गलत नहीं है, ये इस्लामाबाद का हार्ट ब्लू एरिया, लाइक स्ट्रीट ऑन, देख सकते हैं ये पूरा ब्लू एरिया। अच्छा, ये बिल्डिंग अभी तामीर हो चुकी है, ये काफ़ी मॉल वगैरह बन रहा है। सो पहले तो बहुत ही कम कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। साथ आपने यूफोन टावर तो देखा ही होगा अक्सर, तो बस ये सामने ब्लू एरिया है। आज संडे की वजह से काफ़ी ज़्यादा खामोशी है, उधर संडे इस्लामाबाद लाइक डेड, सैटरडे संडे इस्लामाबाद का कानून है, जैसे फोतकी हुई होती है कोई बंदा नहीं है, वर्किंग डेज नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, क्योंकि हमारा तो लाइफ एक्सपीरियंस इस्लामाबाद का। सो सैटरडे संडे को ऐसा होता है कि ज़ोंबीज आ जाती हैं, नो एनीबॉडी, यू कैन सी बैक, कोई बंदा भी नहीं है। सो मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेते हैं ब्लू एरिया का, सो आपके साथ शेयर करते हैं ब्लू एरिया, जो कि बहुत ही जाना पहचाना नाम है इस्लामाबाद का, आप लोगों ने सुना भी होगा, कई लोग यहाँ विज़िट करते हैं, यहाँ पे सारे ऑफिसेज वगैरह हैं ब्लू एरिया में, ठीक है।
तो यहाँ पे कोई रेजिडेंस एरिया नहीं है, सारे ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, होटल्स, ये सब जगह हैं। और सामने यूफोन का स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस और यूफोन टावर जिसको हम बोलते हैं। सो संडे को आपको पता ही है बहुत कम ही ज़्यादातर लोग हॉलीडेज होते हैं, सो घर पे ही होते हैं। देख सकते हैं ब्यूटी ऑफ ब्लू एरिया इस्लामाबाद। राइट नो अभी जो जगह है, होटल है क्राउन प्लाजा, जिसका नाम भी चेंज नहीं किया अभी तक। अच्छा ठीक है, बड़ी जानी बचानी जगह है ये। सो ये बॉर्डर वगैरह एरिया नाम इसका हमने रखा हुआ बॉर्डर। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है बॉर्डर। ये बॉर्डर होटल ये बॉर्डर होटल स्पेशली ताबिश, इकराम, सैफी, ये मेरे क्रू मेंबर थे जो यहाँ कुछ याद आया, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा, क्राउन प्लाजा बॉर्डर। सो आई होप आप लोगों के वो डेज याद यानी आ रही होंगे, जहन में आ रहे होंगे वो डेज जो बॉर्डर डेज थे। यहाँ का जो एक नादरा है वो कभी भी क्लोज नहीं होता, बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, जो भी टाइम हो, जिस टाइम आओ, एनी टाइम ओपन होता है, संडे नो हॉलीडे, एवरी टाइम ओपन। ये पीछे नादरा फेमस है यहाँ, तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स को कुछ काम होता है, क्लोजिंग नहीं होता, तो वो रावलपिंडी से भी यहाँ आके काम कई बार उन्होंने किया है। सो आपको पता है रश कम होने की वजह से रात को 1-2 बजे आके भी यहाँ से बंदे काम करवा लेते हैं दूर दराज के, क्योंकि क्लोजिंग नहीं होता एनी टाइम ओपन। सो ये प्लस पॉइंट है इस नादरा का। ये पीछे देख सकते हैं आपका फेवरेट सेंटोरियस मॉल, जो कि बाद में जाएंगे, अभी हम ब्लू एरिया का जस्ट विजिट कर रहे हैं, वेस्टर्न यूनियन, बाद में जाएंगे। और यहाँ ब्लू एरिया से अगर आप सुपरमार्केट जाना चाहते हैं, जिना सुपरमार्केट जाना चाहते हैं, इनका डिफरेंस मैक्सिमम, अगर आप वॉकिंग जाना चाहते हैं या फिर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में तो मैक्सिमम 2-3 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, अगर ट्रैफिक ना हो। ठीक है, इस टाइम यहाँ पे दिन 2-4 बजे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो हाँ, गाड़ी में तो आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे, वॉकिंग अगर जाना चाहते हैं तो 15-20 मिनट लग ही जाएंगे, ठीक है। दोनों जगह ऑपोजिट साइड पे ही हैं। सो यहाँ से अगर ब्लू एरिया से आप जाना चाहते हैं फैसल मॉस्क, ठीक है, फैसल मॉस्क, वो गाड़ी में 10-1 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, ड्राइव पे, वो भी नज़दीक है। बाकी आप अगर जाना चाहते हैं मुनाल रेस्टोरेंट, यस मुनाल यहाँ से टॉप पे है, ठीक है, उसके लिए आपको कन्वेंस गाड़ी में कम से कम लग जाएंगे यहाँ ब्लू एरिया से राउंड अबाउट 30 मिनट्स लग जाएंगे, 35-40 मिनट्स, ठीक है, टॉप पे पहुँचने। तो ये सारी जगह यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं सरीना वाली साइड, सरीना भी नज़दीक है यहाँ से, ठीक है, फिर आप जाना चाहते हैं यहाँ से एफेड वाली साइड, एफेड कचहरी, वो भी यहाँ से नज़दीक है, मैक्सिमम राउंड अबाउट 10 मिनट गाड़ी में लग जाएंगे। ये जो ये एरिया ना, ये हार्ट है दिल, इसके सारे जो फेमस एरियाज़ हैं, काम वाले एरियाज़ हैं, तो सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं सारी नज़दीक हैं, इसके इतनी दूर नहीं है, 10-15 मिनट का ड्राइव है, ठीक है, गाड़ी में। और एक और जो बड़ा पार्क है यहाँ से, काफ़ी यहाँ से मैक्सिमम 15-20 मिनट की ड्राइव है, एफेड पार्क है, ठीक है, इस्लामाबाद का काफ़ी बड़ा पार्क है, अगर टाइम मिले आज मैं वहाँ पर भी शूट करूँगा आपको, व्लॉग में दिखाऊँ, ठीक ठाक बड़ा पार्क है, ठीक है, वो यहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव है, ठीक है, नज़दीक ही है, 10 मिनट की ड्राइव है, गेट पे अगर पीछे वाले गेट जाएंगे वो काफ़ी दूर है, यहाँ पे एफेड के सामने ही है अपोजिट साइड, वो नज़दीक पड़ता है यहाँ से, ठीक है। तो बाकी यहाँ से शक्करपड़ियाँ जो हैं वो भी नज़दीक हैं, मैक्सिमम 20-25 मिनट्स ड्राइव है, ठीक है, गाड़ी में। तो अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ से एम्बेसीज वगैरह जाते हैं, एम्बेसीज तो यहाँ पे डिफरेंट जगह पे हैं, ठीक है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो है यहाँ से मैक्सिमम कर लें 40 मिनट्स की ड्राइव पे है, ठीक है, 40-45 मिनट्स के, ठीक है, बाकी और अदर एम्बेसीज वगैरह डिफरेंट जगह पे हैं, ठीक है, कोई किसी जगह पे है, कोई किसी जगह पे, एक जगह पे कोई भी एम्बेसी नहीं है, सिर्फ डिप्लोमेटिक इनक्लेव की जो है ना सारी एम्बेसीज वो एक ही जगह पे हैं, कई एम्बेसीज बाहर भी हैं सेपरेट हैं। सो कोई F6 में है, कोई किसी जगह पे है, डिफरेंट है यहाँ पे। सो काफ़ी ज़्यादा एम्बेसीज अगर ठीक जो काम कर रही हो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में है, वो काफ़ी साइड एरिया पे आता है, ठीक है। सो ये था व्यूअर्स ब्लू एरिया, आपने देखा जो अभी
मेरे इस व्लॉग में। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। खुदा हाफिज़।